नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने हाल ही में एक ट्वीट कर उन लोगों को निशाने पर लिया जो पैसा चुराते हैं और नशा करते हैं। उनका यह ट्वीट आने वाली फिल्म कलंक से जुड़ा है। यह ट्वीट जब एक्टर वरुण धवन ने देखा तो उन्होंने इस ट्वीट का समर्थन करते हुए उसे रीट्वीट कर दिया। दरअसल राजस्थान पुलिस ने करण जौहर की आने वाली फिल्म कलंक की एक्ट्रेस आलिया भट्ट की एक तस्वीर शेयर की जिस पर उनका एक मशहूर डायलॉग लिखा था, हमसे ज़्यादा बर्बाद और कोई नहीं है इस दुनिया में। इस तस्वीर के साथ पुलिस ने लिखा, क्या आप ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा चुराते हैं? अगर हाँ तो चोरी करने और ड्रग्स एडिक्ट बनने का कलंक आपकी खुशियों को ख़त्म कर देगा। ड्रग्स को कंज्यूम करना बंद करें, नहीं तो ये आपको कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद उन्होंने फिल्म कलंक की स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टैग किया। इसके बाद वरुण धवन ने राजस्थान पुलिस का समर्थन करते हुए इस ट्वीट को रीट्वीट किया। वरुण ने लिखा, ड्रग्स को कहे ना, बता दें कि फिल्म कलंक को अभिषेक बर्मन डायरेक्ट कर रहे हैं, जो इससे पहले आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म टू स्टेटस को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। 1940 के दशक में दर्शाई गई इस फिल्म में अभिनेत्री माधुरी दीक्षित बहार बेगम के रोल में नजर आएगी। संजय दत्त बलराज चौधरी के रोल में दिखेंगे, वहीं वरुण धवन जफर के रोल में, आलिया भट्ट रूप के रोल में, सोनाक्षी सिन्हा सत्ता चौधरी के रूप में और आदित्य राय कपूर देव चौधरी के रोल में नज़र आएंगे। यह फिल्म अपने आप में कई मायने में खास है। फिल्म मेकर करण जौहर ने बताया कि यह फिल्म उनके पिता यश जौहर 15 साल पहले बनाना चाहते थे, लेकिन उनके निधन के चलते यह फिल्म उस समय नहीं बन सकी। इसके अलावा इस फिल्म के जरिए सालों बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक साथ नजर आएंगे। वहीं माधुरी के रोल के लिए पहली पसंद एक्ट्रेस श्रीदेवी थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह फिल्म माधुरी को ऑफर की गई।